वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास जी। ओके, क्या मसला आ रहा था आज लिंक में? अच्छा, गलती हो गई होगी वो। हाँ, वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताएं मुझे, असाइनमेंट्स का अपडेट करें, किसकी किस कितनी असाइनमेंट्स हो चुकी हैं? ओके, बाकी ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। नितेश, सबको रिस्पांस मिलेगा वन बाय वन। असल में थोड़ा सा फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से ना बिजी हो चुका हूँ वो। हाँ जी, जिस वजह से ना मैनेज नहीं हो सक रहा। हाँ जी, सबको रिप्लाई मिलेगा, परेशान कोई भी ना हो। अच्छा ठीक है, वो 29 को ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, 5 को वापस जाना है मैंने। अच्छा ठीक है नितेश, मैं उसको लिंक को जो है वो अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? ओके, ग्रुप में पोस्ट कर दी कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, लास्ट टाइम तक जो मैंने बताया था वो कहाँ तक हो गया था? लास्ट टाइम तक कितना मैंने सिखा दिया था आप लोगों को? बिल्कुल ठीक। अभिजीत, आप सुनो, ठीक हो? ओके अच्छा सदाम, ये वाला थीम मेरे पास नहीं है। वालेकुम सलाम, नहीं मेरे पास नहीं है। क्लिक बैंक की जो साइट रेडी की थी, कैसे की थी भला? उसका यूआरएल क्या था? जो क्लिक बैंक की साइट रेडी की थी, क्या यूआरएल था? वही सबडोमेन क्या था?
ऐसे ही था। या क्या था मुझे तो खुद भी याद नहीं। चेक कर लेते हैं। ओके ओके ठीक है। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बस आप सुनाओ ठीक हो। मैं सब डोमेन चेक करता हूँ, सब डोमेन बनाई थी उसने। और कितनी असाइनमेंट्स आप लोगों को मिल चुकी हैं? वालेकुम सलाम। कितनी असाइनमेंट्स आप लोगों को मिल चुकी हैं? ठीक हो। वैसे अभी तक जो होनी चाहिए
वो होनी चाहिए बेसिकली सात, बट आप लोगों को मिली है पांच। ओके, इस हफ्ते में असाइनमेंट भी मिलेगी। मैं इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ ब्लॉग पे। जी इस हफ्ते ऐसे मैं उसकी डिटेल में दे दूंगा भाई, सदाम को दे दूंगा या वैभव सोनी को मैं दे चुका था सुबह। जी उमाद आपकी असाइनमेंट मुझे रिसीव हो गई थी। जी आपकी बाप की भी मिल गई थी। इसके अंदर हम इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस। ब्लॉग रूट पे इंस्टॉल करो मैं क्लिकबैंक साइट, जस्ट एग्जांपल के लिए। वहीद वो एक्सेल की फाइल जो थी ना, फाइल्स के सेक्शन में देखो। फाइल्स के सेक्शन में अपलोड कर चुका हूं। जो है क्लिकबैंक की साइट रेडी करना सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है क्लिकबैंक की साइट रेडी कर सको। बाकी अमेजोन वाला वेबिनार वॉच कर लिया था आप सबने? सारे अपडेट करो सारे। जी आकिब आपका है फर्स्ट डे, आपने तो अभी इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो है पहले प्रीवियस लेक्चर वॉच करो और असाइनमेंट्स बनाते जाओ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लिकबैंक का जो कीवर्ड रिसर्च बताई थी बस वही थी सिंपल, और तो उसमें कोई खास बात नहीं थी। परमा लिंक की सेटिंग ये मैं बताई थी। हाँ और कोई नया कुछ भी नहीं है। अभी मैं साइट रेडी करना सिखा रहा हूँ। पहले बताया था कीवर्ड निकालना
प्रोडक्ट सेलेक्ट करना देन कीवर्ड निकालना जो पहले असाइनमेंट में बताया था। अब बता रहा हूँ साइट को रेडी कैसे करना है। अपेयरेंस में गए, एड नहीं, और मैं जो जेनेसिस के थीम थे इसको, ये इसको मॉन्स्टर इसको हम फ्री वाला थीम भी कर सकते हैं। जबरदस्त, वालेकुम सलाम। अच्छा मैंने ये जो है फ्री वाला थीम इंस्टॉल किया ताकि एक साइट रेडी कर सकूं, और एग्जांपल साइट है google-sitemap-generator3guide.com। आप लोगों को पता चल रहा है साइट का, ये मैंने हेडर बनवाया है ग्राफिक डिजाइनर से, आप खुद बना लोगे एडोब फोटोशॉप में। और ये इमेज जो है मैंने ऑफिशियल साइट से ली है जिसकी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ। 1000 वर्ड का मैंने रिव्यू लिखवाया है और ये उसकी ऑफिशियल साइट से मैंने इमेजेस ले लिए, प्लस ये जो ग्राफिक है ये मैं सेव कर रहा हूँ, ये मैं ऐड करूँगा। प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर अबाउट अस, इस तरह के पेजेस ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। देखो उसमें अगर कोई ऐसी चीज नहीं है जो खिलाफ हो मजहब के तो कोई मसला नहीं है, बस ये देखें उसको पढ़ लेना ना, रीड कर लेना सिंपल। यहाँ पे मैं जो है रिव्यू डाल दूंगा, यहाँ पे जो है मैं YouTube में जाके, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें इशू वाली बात है सदाम, ठीक है। और वैसे मुबारक हो आपका कीवर्ड जो है पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा यूट्यूब में, हाँ ओके ओके गुड शुभ। गूगल के स्पेलिंग कौन से वाले गलत हैं? ये जो है रिव्यू मैं कोई भी पब्लिश कर दूंगा, जैसे ये एक रिव्यू, ये मैंने खुद वीडियो बनवा के वो पब्लिश की थी, ठीक है। तो आप भी कोई भी वीडियो खुद बनवा लो या खुद बना लो, ठीक है। अच्छा एम्बेड, गूगल में फाइंड सर्च करवा के आप वीडियो जो है कोई भी रिव्यू हो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप वो डाल सकते हो, इसमें इशू वाली बात नहीं है।
ठीक है, या अगर आप डायरेक्टली नहीं देना चाहते तो आप कॉपी करो या बस आप लिंक पेस्ट करोगे तो YouTube की वीडियो वैसे ही आ जाएगी। लेटेस्ट वाले वर्डप्रेस में ऐसे ही होता है, ठीक है। उनके पेज से अगर उठाओगे YouTube की वीडियो हो तो कोई मसला नहीं, बट डाउनलोड करके अपलोड ना कर देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक वीडियो लगाई और इस वीडियो का मैंने लिख दिया वीडियो रिव्यू। आप लोगों ने जो है असाइनमेंट नंबर 6 में क्या करना है, 5 एडसेंस की वेबसाइट्स जो फ्लिपा पे जस्ट सोल्ड हो गई हो, 5 क्लिकबैंक की, 5 एडसेंस की और 5 अमेज़न की। ठीक है, उनके टॉप 10 कंपेटिटर के एनालिसिस करने हैं, ठीक है। ओके, और उसके अलावा असाइनमेंट नंबर 6 पार्ट 2 ये है कि आप लोगों ने अपनी अपनी साइट रेडी करके एडसेंस की उसके तमाम डिटेल मुझे ईमेल करनी है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ना, हाउ टू ट्रैक विजिटर, हाउ टू ट्रैक डाउन टाइम, सोशल सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं ना, इनमें से कुछ ही रहती तो नहीं है। सोशल सिग्नल्स का कोर्स आप लोगों ने वॉच नहीं किया, ओके। जो भी आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करोगे, हर पोस्ट को ठीक है जी, हर पोस्ट को आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, दैट इज कॉल्ड सोशल सिग्नल्स, ठीक है। कल इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ओके। अभी जो है ये रिव्यू वीडियो प्लस यहाँ पे हमारा जो है एड मीडिया सिलेक्ट इमेज बाय नाउ का ग्राफिक प्लस इसको हम जो है वो ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम जो है इसमें एक प्लगइन करेंगे इंस्टॉल, प्रिटी लिंक, ये लिंक को शॉर्ट बना देगा। क्लिकबैंक से हम हॉप लिंक उठा लेंगे, मार्केट प्लेस और सपोज हम यहाँ पर फाइंड करेंगे गूगल,
या जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप उसको डायरेक्टली आप प्रमोट ओके इन्होंने चेंज कर दिया ओके नो इशू। सपोज हमारा हॉप लिंक हमने उठाना है, हमने इसको कॉपी किया प्रीटी लिंक लाइट को एक्टिवेट किया प्रीटी लिंक लाइट में गए एड न्यू लिंक पेस्ट किया गूगल स्नैपर 3 नो फॉलो क्रिएट ये लिंक बन गया। इसको हमने बाय नाउ के बटन को एडिट किया यहाँ पे पेस्ट करी यहाँ पे अपडेट मींस के हमने जो हॉप लिंक था बहुत लॉन्ग था उसको हमने शॉर्ट करके प्रीटी लिंक लाइट के जरिए शॉर्ट करके और उसको अपनी पोस्ट में लगा दिया और उसको हम कर रहे हैं एज अ पेज कर रहे हैं और इसको हम कर देंगे पब्लिश। ठीक हो गया। इसके बाद इसको हम लगा देंगे होम पेज पे सेटिंग में जाके रीडिंग में जाके इसको हम होम पेज पे स्टिक कर देंगे। ये आप लोगों को नजर आ रही है वेबसाइट तैयार हो रही है आस्ते आस्ते। बिटले भी यूज कर सकते हो स्निपली भी यूज कर सकते हो प्रीटी लिंक लाइट भी यूज कर सकते हो। होम पेज पे एक आर्टिकल होगा प्लस चार आर्टिकल उसी जी चार आर्टिकल उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। ओके ग्राफिक्स जो होंगे उसी ऑफिशियल साइट से भी ले लोगे प्लस ग्राफिक डिजाइनर से बनवा के जिस तरह मैंने बनवाए हैं ये बनवाया ये स्टिक की पोस्ट हुई है इसको मैं होम पेज पे इसको भी मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं लगाते जाऊँगा। ठीक है अच्छा ये आप जो है अगर आपको इजाज़त देता है जो है थीम बनाने वालों ने सपोर्ट दी हुई है तो आप राइट साइड बार ख़त्म कर दोगे। ठीक है इसमें सिर्फ हम जो है वो मॉन्स्टर स्टाइल ख़त्म कर सकते हैं बस आप लोग देख सकते हो क्योंकि थीम है ही ऐसा। ओके अच्छा इसमें हम जो है ऐड न्यू पेज करेंगे जी हाँ जी बायर डर के वाकई भाग जाएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन कर रहा हूँ ताकि मैं कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना सकूँ। पब्लिश कर दिया मैंने
ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म बन गया, ठीक है। इस तरह से आपने जो अबाउट अस, ये पेजेस आपने ऐड करने हैं और 4 से 5 रिव्यूज मजीद पब्लिश करने हैं रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एज पोस्ट नॉट पेज। वर्डप्रेस का तो आप लोगों को सबको क्लियर है ना आज तक, जो पिछले दिनों में सिखाता रहा हूँ वर्डप्रेस। अभी ये जो है आप लोग इसको देखोगे, हम पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं बट ये स्टिक हुआ हुआ है, ये बेसिकली हुआ हुआ है U2W3 फिक्स्ड विजेट। स्टिकी विजेट जैसे ही ये इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे विजेट एरिया में इसका ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें जो है वो इमेज अपलोड करना होगी, उसके बाद पेरेंट्स में विजिट्स में यहाँ पे मेटा को डिलीट कर रहा हूँ, आर्काइव को डिलीट कर रहा हूँ, रिसेंट पोस्ट कमेंट्स को डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ टेक्स्ट, फिक्स विजिट सेलेक्ट कर लिया। जो लिंक हमें शॉर्ट रनर हमने बनाया है हमारे प्रोडक्ट की तरफ वो (120/60) है। नहीं बाय का बटन नहीं होगा, बस रिव्यू होगा प्रोडक्ट के बारे में और कुछ नहीं ऐसा होगा। थोड़ा ये टाइम लगा रहा है तो इसी इमेज का जो यूआरएल है इसको मैं कॉपी करके एसआरसी में ऐड कर रहा हूँ, सेव। अभी ये देखो ये स्टिक हो गया, ठीक है, ये स्टिक Q2W3 फिक्स विजिट की वजह से। ओके, फेविकन अपलोडर, मैंने फेविकॉन लगाने का तरीका बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम, फेविकॉन। गुड, गूगल एग्जाम्पल साइट मैप करेंगे,
आर्नी ब्रैच होल्ड वाला, जेट पैक नहीं करेंगे, शेयरहोलिक प्लगइन करेंगे, प्लस जो सेटिंग है एग्जाम्पल साइड मैप की वो, हाँ जी प्रीवियस लेक्चर वॉच करो ना तो समझ आ जाएगा, अगर ना समझ आए तो कल बता देंगे, दोबारा समझा दूंगा फेविकॉन का। शेयरहोलिक, शेयरिंग का प्लगइन है, साइट मैप में मिल गया, साइट रेडी होती जा रही है, देख रहे हो आप लोग, रिव्यू की जरूरत है, जो रिव्यू आप प्रोडक्ट के बारे में लिखवाओगे, क्लियर है, बहुत जल्दी जल्दी साइट रेडी हो रही है हमारी, आज रात को सोना नहीं है, क्लिकबैंक की साइट रेडी करके सोना है इंशाल्लाह आप सबने। हकीकत में बता रहा हूं, हंसने की क्या जरूरत है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, सही कह रहा हूं। नहीं, कीवर्ड्स पे लिखवाने हैं यार, ये शुभम हंस रहा है और ये यूसुफ हंस रहा है। अच्छा तो डोमेन बाय कर लो ना, डोमेन बाय करने में कितना टाइम लगता है मुझे पहले तो ये तो बताओ, ये रिलेटेड पोस्ट वाला खत्म करके यहाँ पे ये बिलो कस्टमाइज, तो बस फिर बाय कर लो, आज रेडी करो अपनी क्लिकबैंक की साइट। रिव्यू तो आप लोगों ने सबने लिखवा लिया होगा या नहीं लिखवाया, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हर कीवर्ड पे एक आर्टिकल लिखवाना है, मजीद भी 4 से 5 कीवर्ड्स फाइंड कर लेना अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि वो अपनी साइट के अंदर ऐड कर सको। गुड सदाम, बहुत जबरदस्त, 13 कीवर्ड्स, ऑसम। जो काम करता जाएगा वो सीखता जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे शेयरहोलिक के प्लगइन नजर आएगा, अब वर्डप्रेस एसईओ, यूसुफ वैभव सोनी से नई डिटेल ले लो, मैंने दे दी थी मॉर्निंग में से। योस्ट एसईओ का प्लगइन कर लो आप लोग इसमें, एक्सएमएल साइड मैप इसके वाला बंद कर देना,
उसके बाद प्लगइन इंस्टॉल कर लो। जीसी मैसेज बार ये गेट कन्वर्जन वाला जी वो नहीं करना आप लोगों ने ना, जो सेटिंग बताई है ना वो नहीं करनी, जो सेटिंग बताई है वो करनी है, जो नहीं बताया वो नहीं करनी। सेटिंग में चैनल जी नॉर्मल साइट की तरह ही होगी। जिसी मैसेज बार को एक्टिवेट किया, सेटिंग में गए, जिसी मैसेज बार ये प्लगइन्स में जिसी मैसेज बार नजर आ रहा है। क्लेम योर डिस्काउंट, उसके बाद यहां पर भी मैं वही लिंक लगा दूंगा। नहीं मैं दे नहीं रहा, बेसिकली अगर डिस्काउंट होगा तो देना है, ठीक है। गलत बयानी नहीं करनी, ठीक है ना, कोई किसी ने भी यानी कि अपने अपने अपनी ट्रैफिक के साथ गलत बयानी नहीं करनी। हाँ ये देखो ये आ गया, ठीक है। इस तरह से आपकी साइट जो है वो कंप्लीट हो गई है, हमें जो है ये समर शीट की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये मेन चीज़ थी स्टिकी बार, यहाँ पे आप एक अबाउट मी का ऑप्शन डाल के अपने बारे में दे दो तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दोगे कि आपको इस प्रोडक्ट से पहले क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या प्रॉब्लम थे, फिर आपने प्रोडक्ट बाय की, फिर आपको पैसे कमाने लग गए, या जो भी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है आपने। मींस कि आपने अपने आप को शो करवाना है कि आप पहले खुद प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हो, देन आपने उसकी एक साइट बनाई है, सही है। हाँ जी ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, अगर आपने उस प्रोडक्ट को पहले कभी बाय किया है तो आप अबाउट मी में दोगे, अगर यूज़ नहीं किया, मैं पहले भी ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ, अगर यूज़ नहीं किया तो नहीं देना, गलत बयानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये मैं बात कर। जैसे ये जो प्रोडक्ट है ये गूगल स्नाइपर, ये मैंने यूज़ की थी, ठीक है, इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर साइट बनाई थी। गलत बयानी झूठ नहीं बोलना, गलत बयानी नहीं करनी, या फिर आप यहाँ पे अपने बारे में जस्ट दे दो, ठीक है। आप इस तरह से कुछ भी अपनी डिटेल दे सकते हो, बस खत्म बात, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। ठीक हो गया इस तरह से आप, यस
ये अबाउट में आ गया। इससे जो ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है अपने बारे में, बिल्कुल ठीक ठीक बयान कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपने, जैसे मैंने एक घंटे में 45 मिनट्स में साइट रेडी कर दी, इस तरह से नहीं, कैटेगरीज की हमें क्या ज़रूरत है, हम तो एज अ पेज पब्लिश कर रहे हैं ना। जब हम ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश कर देंगे 4-5, देन हम कैटेगरीज भी शो करवाएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं उस पर बात होगी, ताकि नेक्स्ट वीक से ऑफ पेज SEO हमारी स्टार्ट हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।